सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे हम उम्र दोस्तों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, आज हम राठौर कैशिक के माध्यम से वीर चंदाला में बोनाचोर का विवाह हीरागढ़ के महाराज तीर्खा सिंह की बेटी के साथ किन हालातों में हुआ। दोस्तों, ये पावन दास्तान आपको मैं राठौर कैशिक के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। दो शब्द माता जगदम्बा के चरणों में प्रस्तुत करते हुए मैं इस कथा की ओर आपको अग्रसर करूंगा, तो आ जाइए दोस्तों। हम देवी सोमर का समीर की और बेलों ने शारदा माए सोमर भवानी अहंगलाज की तो भूले अक्षर देवरी बताई। अरे आदि सरस्वती तुम को सुमिर और हृदय पे विराजोरिया आई मैया सुमिर के पुर है टुवाली जो बैठी पूरा बली मेरी आई। अरे कहूं हकीकत हीरागढ़ की और ब्याह हो है जहां बौनिया राय नामी चोर भाव है रे बौना के जो है यार बना पर राय। दोस्तों ध्यान देना, ये बौना चोर आला उदल का मित्र किन हालातों में बना और इसका जन्म कहां पर हुआ, यह भी मैं बात आपको बताता चलूं। अरे कुड़हर में एक जाट राम सिंह अरे जो देवी को धरे नित ध्यान रोजाना पूजर देवी को रच रो हवन मठी दरम्यान। और एक दिना को जिक्र सुनाऊं अरे पूजन को नाई रहो है सामान चोरी करके शामी घी की दही देवी को हवन रचाई। दोस्तों जाट राम सिंह पर जब आराध्य माता के पूजन की सामग्री नहीं रही चोरी करके जब इसने पूजन किया, दोस्तों अरे भक्ति देखी जब देवी ने प्रगट भई शारदा माई और राम सिंह से ऐसे बोली सुन ले भक्त बात चितलाई। चोरी करी है देश देश में बेटा सुनो लगाई के कहानी।
राम सिंह को ये वरदान देकर जब अंतर ध्यान हो गई, समय बीता चला गया और उधर कुड़हर में राम सिंह के घर पर समय उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ। आरे कछु दिन पीछे बेटा जन्मो देव दत्त दो नाम धराई कई। अरे छोटो कद और तन को हे तो पर या बूना कहे सुनाई। परदेशन में चोरी कर लो डाकू बनो बोनिया राई। दोस्तों इधर बोना जब जवान होने लगा उसकी आदत चोरी डकैती डालने की बन गई। समय बीतता गया, इधर महोबे के बहादुर आला उदल अपने पिता दशराज की मृत्यु का बदला लेने के लिए माढ़ों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दोस्तों अरे आल उदल माढ़ो जा मेरा हम मिले कौन लाई। तब मलखे बोले हैं रे मोना से योद्धा सुन ले कान लगाई। कौन देश के रहने वाले अपना नाम देव बतलाए। सो इतनी सुन के बोना बोलो मेरो नाम बोनिया राय। किसी बात का ना जो हम जीते गढ़ माड़ो तो तेरी लूट माँ भूल जाए। अरे इतना माल मिले तो बहते बैठे सात पुतलों खाई। और सुन की बाना संग सिधारो माड़ो बोना चोर को मिला। अब ये पुड़हर का सरदार बन गया। अब ध्यान थोड़ा आप हीरागढ़ की ओर लेकर के चलें, जहाँ के महाराज तिरखा सिंह हैं। एक दिन महाराज तिरखा सिंह जब अपने महलों में पहुंचे हैं तो उनकी हृदयेश्वरी बड़े प्रेम से अपने साजन से बोली, अरे या बद देखो हरे रानी ने सुंदर फल गदोदर खाई। और हाथ जोड़ के रानी बोली मेरे प्राण पिया भरतारी। अरे घर में बेटी सियानी हुई गई जल्दी दे उभमरिया गारी। सोई तनी सुन भूपत रिखा सिंह ने पंडित बोलो बुलाई। अपनी बेटी की सगाई का पत्र हीरागढ़ में लिखने लगे हैं और उन्होंने शर्तें विवाह के लिए रखी। क्या?
प्रश्न शादी के लिए लिख रहे हैं। पत्थर है फिर मार्ग में कहीं पे मेख तो गढ़न की नाई। अरे किला बनो है के मेरो पत्थर को तापे तो फतो धड़ी जचाली। और किशदम तो परे चले धोरा से जिंदा एक करे बचन को भवन की कुछ शर्तें हैं। अरे एक अंगूठी है मेरी रानी पे उसको भी ले जावे चुराई। एक हीरा है के पास हमारे तो गहरो पंद्रह गयो करवाई। हीरागढ़ से एक टीका लेकर के नाई ब्राह्मण अखंड भारत में जहां जहां राजाओं के पास गए शर्तें पढ़ करके सभी राजाओं ने इनकार कर दिया। अंत में वो टीका लेकर के जब कुड़हर की सीम पर पहुंचे हैं दोस्तों। अरे गढ़ कुड़हर की जय सीमा पर बोना चोर इन्हें मिल जाए। ऐसे बोलो है रे दोनों से भाई सुन लो कान लगाए। अरे कहां से आना हूं
आए और इतनी सुन के नेगी बोले, सुन ले पुड़हर के सरदार रहने वाले हीरागढ़ के तिरखा सिंह ने दे भिजवाए। देश में ले गए लेकिन कोई नहीं चढ़ाता, तो बोना कहने लगा कि तो भाई हमारे साथ चलो। अरे संग ले लो है दोनों को, संग ले लो है दोनों को, और टीका को ले चढ़ाई, और नेक होते हैं जो टीका के ताकि दई शबरो जबरन लयो छिनाय। दोस्तों जब टीका चढ़ा तो नाई और ब्राह्मण ने कहा कि महाराज टीका की दक्षिणा तो दो। तो बोना चोर कहने लगा कि भाई चोर के घर में छोड़ा कैसे घुस गया, जब हमारा काम ही चोरी करने का है तो चोर के घर में दक्षिणा तो नहीं मिलेगी, और जो भी धन लाए थे वो जबरन छीन लिया। दोस्तों धनाई ब्राह्मण तो हीरागढ़ को लौट गए, अब बोना चोर पुड़हर से चला। अरे कर पुड़हर से बोना चल दो लई महुबे की सीम दवाए, और दरबारन में बोना देखो सब कुछ भये बना पर राय। बोना बोलो है रे आला से सुनियो बात मित्र शीतलाय, प्रार्थना की कि आप मेरे बाराती बनकर हम दर्द बनकर के आप हीरागढ़ में चलें, तो आल्हा ने कहा अरे और कहीं तो टीका ले से तेरो लाते ब्याह कराई, और मार बुरी है हीरागढ़ की से जैसा तमरन की नाई। छोटे भाई उधर से जाकर के बोना ने कहा कि उधर दोस्त
आप ही मेरी बराती बन के चले। तो उदल ने कहा कि मैं एक असल तुझे बता रहा हूँ मोना। क्या अरे इतनी सुन के उदल बोले मोना सुन ले कान लगाई और तुम अब चले जाओ सिरसा गुंजर मलखे बुलाइयो बुलाई और आबे मल्हारो सिरसा बारो सो भैया को लिए मनाए और संग तुम्हारे हम चले दलहे कटक समर में जाए। भक्तों उदल की बात मान करके जब बोना छोड़ सिरसा की ओर गया और मलखान के पास जाकर के सारे हालात का वर्णन किया। बात सुनकर के मलखान ने बोना से कहा अरे जब ये बात सुनी मलखे ने गुस्सा भरी बदन में जाई और सुरखी छाई गई अखियन पे मलखे काल बरन हुई जाए और फिर ललकारो सरदारन को जवानो सुन ले कान लगाए और करो तैयारी अब चलबे की काहे पूरा की देर लगाए और तिरखा सिंह की का विनती है दुनिया एक ओर हुई जाए दम्बा कर सहाय। सिरसा पर सम्राट महाराज मलखान जब बोना का साथ देने के लिए दोस्तों तैयार हो गए अरे इतनी सुन के साजे सूरमा पल की देर लगाई नाई और बड़ी बड़ी तोपे अष्टधातु की सो चरखन पे दही चढ़ाई आरे शब्द ले पे सिरसा पाले चल भय वीर मल्हारे राय और सीमा आई जब महुबे की सबरी फौज रोक दई जाई महोबे की शीप पर मलखान सिंह सिरसा से चल के आ गए और बोना चोर से मलखान ने कहा कि अब तुम कुड़हर को लौट के जाओ। क्यों मलखान आल्हा से बोले अरे लौट के घर तना नहर के छो बोलो सिंघरे सिरसवा क्यारी अरे हीरा गड़की के बरनी हुई गई ब्याह न जात है पोनिया राई न लड़ाई हीरा गढ़ की सहज ऐसा तरे परन की नाई
पे बड़े भोर भये और मोरछ पैर तूफा बुनयाए। पानी की बूंद पतंग छिपे और नीरछ पैर तू ग्रीष्म आए। हाय कौन आवाज परे रण की असली छत्री छिपी है न छिपाए।